चला लेंगे, हम देश भी चला लेंगे, निशाने नाम को बेबाक ना होने देंगे, निशाने नाम को बेबाक ना होने देंगे, आंचले आबरू को चाक ना होने देंगे। अरे बाबा तेरे पाक कदमों की कसम, तेरे दामन को कभी नापाक ना होने देंगे। मंच पर विराजमान सब साथियों, हम सफर हो, महिला हो, बच्चे हो, बड़े बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, मैं आनंद जी को जानती तो पहले से थी, क्योंकि मैं आनंद से जुड़ी हुई इसलिए जानती हूँ। मेरा नाम भी, मेरे पति का नाम भी आनंद स्वरूप था, और मैं और मेरे बच्चे सारे आनंद लगाते, मेरा भी नाम, धंधे भी आनंद बोलते लोग। मंत्री जी को मैं बधाई देने आई हूँ, मुझे कोई भाषण नहीं देना। चलो चलो, बहुत बढ़िया। और अब पहले तो एक आंख थी, अब हमारी दो आंखें हो गई, वो भी पीछे नहीं हटेंगे, जब तक जान में जान है हम सामने ला के रहेंगे। जो मेहनत इन्होंने करी है, अगर आज उत्तर प्रदेश में ये नहीं जाते तो आज इनकी कुर्सी नहीं छिनती। पर मुझे सबर इस बात का कि एक पे एक भाई से गई, दूसरे पे भी आ गई, क्योंकि कोई बिरादरी का हमें बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी में हिम्मत है तो बाबा साहब का पूरा आरक्षण पूरा करके देखिए, महिलाओं का 33% आरक्षण पूरा करके देखिए, किसी के सीने में दम है, चाहे प्रधानमंत्री चाहे कोई हो, हिम्मत है तो या तो आरक्षण पूरा करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। जैसा उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया है, आगे भी हम चाहते हैं कि हम भी उनके साथ होने की उसमें चलें, बताए हुए रास्तों पर चलें, सबको साथ लेकर चलें, और कामना करते हैं कि जैसा उन्होंने आगे बताया था रास्ता महिलाओं के लिए, जो इन्होंने एजुकेशन को लेके गए, बच्चों को, लेडीजों को, बच्चों को, महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ाने का काम चालू किया, जो शिक्षा वो आगे लेके गई, और आज ये जितनी महिलाएं दिख रही हैं, चाहे अपने समाज दिख रहा है, जो आज इतना आगे है, हमारे बच्चे जो आप देखोगे विभिन्न देशों में अच्छी अच्छी पोस्टों पे हो, चाहे गूगल हो, चाहे कोई भी हो, उनके अच्छी अच्छी पोस्टों पे भारतवासी हैं और महिलाएं हैं, आज महिलाएं बहुत आगे निकल गई। माता सावित्री बाई का जन्मदिन या उनकी विचारधारा को बढ़ाने का काम बहुजन के लोग ही करते हैं, जो अपर कास्ट महिला या अपर कास्ट लोग वो क्यों नहीं करते, क्योंकि योगदान तो सबके लिए था ना, हर महिला के लिए काम। वो सर पहले से सक्षम है हर चीज में, तो वो नहीं चाहते कि गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग, पिछड़ा वर्ग आगे बढ़े, वो एजुकेशन प्राप्त करे, जब एजुकेशन प्राप्त होगी तो वैसे विकास हो जाएगा। हमारे मंत्री जी राजकुमार आनंद जी ने माता सावित्री बाई फूले जी की जयंती बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है, और इसमें समाज के सारे लोग उपस्थित हैं, विभिन्न विभिन्न समाज के विभिन्न विभिन्न जगहों से लोग आए, एकत्रित हुए हैं, और इस माता सावित्री बाई फूले के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए बोला है। जैसे शिक्षा का मॉडल उन्होंने अपने टाइम पे शिक्षा चालू करी। सब कम शब्दों में अपनी बात कहना चाह रहा हूँ, उस मुकाम को अगर कोई आगे लेके चला है हिंदुस्तान की राजनीति में, मैंने 1975 में छात्र जीवन से राजनीति शुरू की थी, जितने मैंने नेता देखे हैं, किसी भी नेता के दिल में ये जगह नहीं थी कि हम इस देश के अंदर जो 85 और 15 का जो ये रिश्तो है, हम इसको किस तरह से कम कर सके, हम किस तरह से इसको करके हिंदुस्तान के हर नागरिक को समानता दे सके। अगर इस काम में अगर किसी ने पूरे देश में अगर पहल शुरू करने की शुरू की है, उसका नाम अगर है अरविंद केजरीवाल, उसका नाम हिंदुस्तान की राजनीति में दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का है। अगर उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सपने को किसी साकार करने की अगर किसी ने कोशिश की है, उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल जी है। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक को शिक्षा मिलेगी, ये सपना बाबा भीमराव अंबेडकर जी का था, ये सपना ज्योतिबाई फूले जी का था, उन्होंने उसको पूर्ण करने की अगर कोशिश की तो हिंदुस्तान के सारे नेता एक उनके पीछे पड़ गए, रुकावट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं उनको धमका रहे हैं, कहीं विज्ञापन के नाम पर एलजी साहब कह रहे हैं कि हम रिकवरी करेंगे, उनके काम में रुकावट डालना चाहते हैं। हम सब तो आज ज्योतिबाई फूले के इस जन्मदिन के अवसर पे
हम सब सिपाही अरविंद केजरीवाल जी के हैं। हम सबको एक संकल्प लेना होगा कि इस देश की प्रगति उन्नति करने वाले नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी के अगर काम में कोई भी रुकावट डालने की कोशिश करेंगे तो उस केजरीवाल जी का एक एक आम आदमी पार्टी का सिपाही उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए संकल्पबद्ध है, तभी इस देश का सपना साकार होगा। मुझे माननीय मंत्री जी ने बुलाकर आप सबके सामने रूबरू किया, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ और इनको यही विश्वास दिलाऊंगा कि जो सरकार ने मुझे ओबीसी कमीशन के चेयरमैन के रूप में मुझे नियुक्ति दी है, जो भी मेरे से ओबीसी के देश के अंदर दिल्ली के अंदर मेरे साथियों के लिए जो भी मेरे से काम करने का आज दिल्ली सरकार की तरफ से आपका माननीय राज्यपाल गौतम जी भाई के रूप में मुझे जो आदेश करेंगे, मैं हमेशा दिल्ली के एक एक नागरिक की प्रगति उन्नति के लिए संकल्पबद्ध रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। सावित्रीबाई फुले जी के बारे में जिन विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपना जीवन शुरू किया, 9 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हुई और उसके बाद उन्होंने शिक्षा प्राप्त करके स्कूल खोले, पहला महिला कॉलेज उन्होंने खोला, पहला किसान कॉलेज उन्होंने खोला और खोल करके आज वो पूरे विश्व के अंदर जिस तरीके से शिक्षा की देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई है उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। क्योंकि समय सीमा है, आज इतना ही कहना काफी है, समाज की हालत दिन पे दिन बदतर होती जा रही है। समाज जिस तरीके से इस समय का जब ग्राम आया था, देश में राष्ट्रीयकरण हुआ था, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, राष्ट्रीयकरण हुआ था, सरकार की नौकरियों वो घरों में गई थी, घर घर में उजाला आया था, आज वो उजाला वापस नीचे जा रहा है। समाज के हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि इस समय को समझे, आज से भेदभाव उड़ा करके इकट्ठे हों, पार्टी लाइन से लोगों पर आए। मुझे भी पूछा जाता है कई बार, जैसा सावित्रीबाई फुले जी की डेथ के बारे में बताया जाता है कि वो प्लेग के मरीजों की जब सेवा कर रही थी तो उनको प्लेग रोग लग गया और वो उसे मरे। तो हम लोग जब कोविड था तो हमने 50 लोग बुलाए थे वहां पर दिल्ली के उस पर यूपी गेट पर, सामान बांटना था लोगों को जब कोविड चल रहा था, माननीय जोशी साहब भी उसमें थे, पिया मीना साहब भी थे, तो 50 लोग हमने कार्यकर्ता फेडरेशन के बुलाए थे, मंत्री जी वहाँ 5 आदमी पहुंचे, 45 गायब हो गए। हमने पूछा क्यों नहीं आए, कि हमारी पत्नी ने शपथ दे दी कि अगर घर से बाहर निकलोगे तो मेरा धन्यवाद, क्योंकि कोविड चल रहा था। 5 आदमी में दो आदमी आपके सामने बैठे, दो दुनिया में नहीं है, एक हमारे बीएस भारती साहब, इंजीनियर साहब और सीवी रावत जी। तो जो सावित्रीबाई फुले जी ने प्लेग रोग की जो रोगी थे उनकी सेवा करते हुए जीवन दे दिया, तो ये सेवा का भाव सबके अंदर होना चाहिए। आपसे मन का भुलाना है, एकजुट होना है। मुझसे भी कई बार पूछा जाता है कि आप तो एक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, फिर भी आम आदमी पार्टी के राज्यपाल गौतम के पास कैसे खड़े हो जाते हैं। नहीं, समाज पहले है, पार्टी बाद में है। और मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि इसी सोच के साथ में हम सब लोग इकट्ठे होकर के समाज के सामने चुनौती है उनका